टाटा रूल ब्रिटेन। अगर उनकी महारानी के पास कोई नूर है तो क्या हुआ, हमारे पास जगुआर और लैंड रोवर दोनों हैं। ये थी अखबार की हेडलाइन जब टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया था 2.7 बिलियन 9,200 करोड़ रुपए में। ये कोई नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं था, ये भारतीयों के लिए गर्व की बात थी और इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका। फोर्ड जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार मेकर है, वो जगुआर लैंड रोवर को प्रॉफिट में नहीं ला पाई, पर रतन टाटा ने कैसे प्रॉफिट में ला के दिखाया उसको। फोर्ड जिसने कभी टाटा का अपमान किया था, टाटा ने वही चीज वापस खरीद के कैसे बदला लिया। और कोई फालतू कहानी नहीं सुनाऊंगा, बिजनेस कोच का चैनल है, तारीख की बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे, बंदों की बात करेंगे। ये केस स्टडी हर उस भारतीय के लिए है जिसको टाटा से प्यार है, ये हर उस बिजनेसमैन और बिजनेस के स्टूडेंट के लिए है जो ये जानना चाहता है कि यार लॉस में चीजें आती कैसे है और लॉस में आती है तो उसको फिर प्रॉफिट में लेके कैसे जाते हैं। ये केस स्टडी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने एम्प्लॉय का और आसपास के लोगों का दिल जीता जाता है। ये कहानी है टाटा की, ये कहानी है देश की, और ये कहानी है एक सपने की और सम्मान की। अगर आपको सुननी है तो ये कहानी पूरी सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना, कहानी का अपमान हो जाएगा, जाना है तो अभी निकलो। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी चालू होती है टाटा मोटर से। टाटा मोटर्स ने कहा इंडियन मार्केट में तो हमने काफी रूल कर लिया, अभी भी बहुत सारी स्कोप बाकी है, लेकिन अगर टाटा मोटर को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, ग्लोबल मार्केट में जाना पड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट में जाने में सबसे जो डेवलप्ड मार्केट है यूएस मार्केट, वहां पे एंट्री करनी पड़ेगी। पर यूएस जैसे डेवलप्ड मार्केट में एक जीरो से ब्रांड को बनाना बहुत ज्यादा खर्चे का काम है, और वहां के डेवलप मार्केट के जो कस्टमर है उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ऊपर होती है, तो उनको मैच करना भी कोई हल्की चीज नहीं है। तो एक ही तरीका था कि वहां की जो ऑलरेडी कंपनी या कोई ऑलरेडी ब्रांड वहां पे बिकता हो उसको खरीद के ही ये काम किया जा सकता था। तो टाटा इस जुगाड़ में था कि भाई साहब कोई ऐसा बढ़िया ब्रांड मिले जिसको हम खरीद सकें। वो मौका मिला उनको 12 जून 2007 को, जब फोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हमारे जो दो ब्रांड है जगुआर और लैंड रोवर, इनको हमको बेचना है साहब। अब बात करते हैं फोर्ड जगुआर और लैंड रोवर को आखिर बेचना क्यों चाहता था, और ये इसने खुद ने डेवलप किए थे या किसी और के थे। तो भाई साहब ये ब्रांड खुद फोर्ड ने बनाए भी नहीं थे। ये जो जगुआर ब्रांड है ये तो 1935 में बना था, और उसके बाद 1989 में फोर्ड ने इसको खरीदा था 2.9 बिलियन खर्च करके। लैंड रोवर बना था 1948 में, ऑफ रेडिंग में इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, इसके बराबर कोई व्हीकल ही नहीं था, ये सबसे लव्ड ब्रांड था। लेकिन प्रॉफिटेबल का चक्कर इसका ऐसा है कि बार बार कंपनियों बदलती रही, एक कंपनी बेचती दूसरी खरीदती, बिकते 1994 तक बीएमडब्ल्यू ने इसको खरीदा, सन 2000 में फोर्ड ने बीएमडब्ल्यू से इसको खरीद लिया। अब सवाल ये आता है कि फोर्ड जगुआर और लैंड रोवर को बेचना क्यों चाहता था। फोर्ड का जो खुद का मेन कार बनाने का बिजनेस है यूएस में, वही घाटे में चलने लग गया। 2006 में इसको 12.6 बिलियन जो कि लगभग होता है 1,00,000 करोड़ का घाटा हुआ। 2007 में 2.6 बिलियन का घाटा हुआ। तो फोर्ड ने कहा भैया पहले अपना जो मेन काम यूएस में है जिसके भरोसे जाने जाते हैं उसको तो संभाल लें, ये दो ब्रांड के चक्कर में भाई साहब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन दोनों ब्रांड को निकालो, कुछ थोड़े बहुत पैसे जनरेट करो और अपने मेन धंधे पे फोकस करो, इसलिए इन दोनों ब्रांड को वो निकालना चाहता था। अब लैंड रोवर के बारे में जैसे मैंने बताया, ये तो आइकॉनिक ब्रांड था, हमेशा प्रॉफिटेबल रहा, गोल्ड स्टैंडर्ड रहा, इसने हमेशा प्रॉफिट कमाया। जगुआर की किस्मत हमेशा खराब रही, जगुआर ने किसी को प्रॉफिट कमा के दिया ही नहीं। फोर्ड ने भी जगुआर में जबरदस्त घाटा खाया। जगुआर के बारे में एक जोक कहा जाता है कि कोई भी एक जगुआर नहीं लेता, दो लेता है, क्यों, एक तो हमेशा गैराज में खड़ी रहती है। तो जब फोर्ड ने कहा कि यार अगर मैं बेचने में निकालूंगी तो लैंड रोवर तो प्रॉफिटेबल है, इसको तो सब ले लेंगे, जगुआर के कोई हाथ नहीं लगाएगा और हमें तो इससे ही आफत से मुक्ति पानी है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कहते हैं ना कि भाई दो लड़के होते कहते हैं भैया हम तो दोनों की शादी एक ही घर में करेंगे, तो फोर्ड ने भी बैठ के कह दिया कि भैया जिसको लेना है दोनों लेने पड़ेंगे, एक एक नहीं देते। तो जब फोर्ड की दो कन्याएं लैंड रोवर और जगुआर का स्वयंवर हुआ तो भाई साहब अलग अलग प्रदेश के महाराजा आए, टाटा मोटर भी गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी गया, बहुत सारी पी फर्म आई, जेपी मॉर्गन की पी फर्म आई, और एकदम ऐसा लगा भैया अलग अलग प्रदेश के राजा, अब तो भाई साहब स्वयंवर होगा, देखे कौन लेके जाता है। इस स्वयंवर में एक खतरनाक वाली शर्त थी, इस जेएलआर के 16,000 एम्प्लॉई थे और इनकी यूनियन बनी हुई थी, तो इन्होंने पंगा डाल दिया, इन्होंने कहा देखो जो पी फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसको तो नहीं बेचोगे, हमको बेचना है ना, बेच दो कंपनी बेच दो, लेकिन किसी, हम मोटर बनाने वाली कंपनी है तो किसी मोटर बनाने वाली कंपनी को बेचोगे, ऐसे प्राइवेट इक्विटी फर्म को मत बेचना कि किसी को भी बेच दिया, वो पता नहीं फैक्ट्री बंद कर देंगे, 10 चीज कर देंगे, तो उन्होंने पंगा डाल दिया। तो जैसे ही ये शर्त रखी, जितने भी प्राइवेट इक्विटी फंड वाले आए थे उनको तो भैया उन राजकुमारों को वापस लौटना पड़ा कि ये कन्या तो नहीं आ रही हाथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरुआत में बोली लगाई, पर जैसे ही बोली का लेवल बढ़ा, आनंद भाई बोले भाई साहब टाटा जी से क्या भिड़ना, घर के आदमी है, वो भी चले गए। और फाइनली फोर्ड ने भी
भी कहा कि जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनमें जो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट है, जो हमारे शर्तों को आसानी से मान लेगा, जो हमारे एम्प्लॉय को भी खुश रखेगा, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, वो है टाटा। तो जो टाटा का ट्रस्ट है और जो टाटा का रेस्पेक्ट है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है भाई साहब। तो जब फोर्ड ने कहा भैया हम तो टाटा मोटर्स को बेचेंगे, तो टाटा मोटर्स तो ऑब्वियसली खुश था, एम्प्लॉयज भी खुश हो गए कि हाँ हाँ ये बढ़िया डिसीजन है। इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा खुश थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा खुश थी। टोनी ब्लेयर ने तो भैया कांग्रेचुलेशन बोला कि भैया अच्छा हुआ टाटा ने बेचा, क्योंकि टाटा को एम्प्लॉय का ख्याल रखना आता है, तो हम बड़े खुश हैं कि यार टाटा को ये फर्म बिकी। तो जब फोर्ड ने ये गाड़ियां बेची टाटा को, हाथ जोड़ के बिल फोर्ड ने एक बात कही कि भाई साहब आप हम पे एहसान कर रहे हैं ये गाड़ी लेके। इस एहसान वर्ड से आपको एक कहानी याद आई होगी, ये जब डील हुई थी ये कहानी बहुत चली थी, सबने स्टोरी बना बना के डाली थी। फैक्ट फिगर पे कोई बात नहीं करता, कहानियां लेकिन सबको आती है, फैक्ट फिगर आप इस वीडियो में ही जानेंगे। पर कहानी कुछ ऐसी थी कि 1998 में टाटा ने इंडिका लॉन्च की। अब इंडिका लॉन्च की पर उसकी सेल बहुत डाउन थी, तो उन्होंने कहा ऐसे तो काम चलना नहीं, तो वो फोर्ड के पास गए, भैया हमारा कार वाला डिवीजन आप ले लो। तो उन्होंने कहा यार जो तुमको कार बनानी आती नहीं क्यों आए थे डिवीजन में, तुम तो बस ट्रक बनाने वाले हो, बस वही बनाया करो। ऐसा करके रतन टाटा का अपमान कर दिया था, उसी फोर्ड की कंपनी का घमंड नीचे हुआ और हाथ जोड़ के कंपनी बेचनी पड़ी। और फिर फाइनली 2 जून 2008 को ये डील कंप्लीट हुई। और जैसा मैंने बताया आपको कि अखबारों की हेडलाइन एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, इंडिया रूल ब्रिटानिया, जगुआर इज नाउ इंडियन, क्वीन के पास कोहिनूर है तो क्या हुआ, लैंड रोवर जगुआर तो हमारे पास है। तो ऐसे करके इंडियंस को तो बड़ा प्राउड फील हुआ, लेकिन ब्रिटिश नागरिकों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा यार ये कोई बात थोड़ी होती है यार, हमने इन पे रूल किया है, हमारी कंपनियां खरीद रहे हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी होती है। तो उनसे जब बातचीत की तो उनके नागरिकों का कहा कि यार जब फोर्ड जैसी कंपनी जब लैंड रोवर को प्रॉफिट में नहीं चला सकी, जगुआर को नहीं चला सकी, तो भाई साहब टाटा की क्या औकात है, इनको तो प्रीमियम गाड़ियों का एक्सपीरियंस भी नहीं है। अभी बात आपके भी मन में आएगी, हाँ यार सर फोर्ड अगर लॉस में थी तो टाटा ने क्यों खरीदा, टाटा ने क्यों इसलिए खरीदा, उनको पता है प्रॉफिट में लाऊंगा और कैसे लाऊंगा, ये केस स्टडी है, ध्यान से सुनना। एक सवाल के राहुल जी, अगर टाटा को खरीदना था तो यही ब्रांड क्यों खरीदे, बहुत सारे कारण थे। पहला कारण, ब्रांड बहुत बढ़िया थे, ग्लोबल लेवल पे जो पहचान हो गई। दूसरा, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी एडवांस थी, तो टाटा मोटर ने कहा इनकी खरीदेंगे प्लांट भी आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी टेक्निक भी सीख लेंगे। इनका आरएनडी सेंटर था वो भी एडवांस था, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो चल रही है एडवांस वो भी मिल जाएगी। फिर इनकी लैंड रोवर की जो एक्सयूवी आती है वो इनकी सफारी, जो टाटा सफारी है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। बोले हम खुद डेवलप करेंगे तो हमें जाने कितने साल लगेंगे, यहां तो बना बनाया मिल रहा है। आज तक टाटा ने चाहे बस बनाई, चाहे ट्रक बनाई, चाहे कार बनाया, वैल्यू फॉर मनी वाला बनाया, लग्जरी के सेगमेंट में गए नहीं, तो लग्जरी सेगमेंट में इसके थ्रू एंट्री हो गई और एक बहुत बड़ा मार्केट जो पहले बंद था अब ओपन हो गया। और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल डीलरशिप बनी बनाई, 170 कंट्री में 2600 से ज्यादा डीलर बने बनाए मिल गए। तो डील सिर्फ कंपनी की नहीं हुई, पूरे इकोसिस्टम की हुई कि और पूरे विश्व में नाम का नाम हो गया, डीलर का डीलर हो गया, टेक का टेक हो गया, प्लांट का प्लान हो गया, सिक्योरिटी मिल गई, बाकी प्रॉफिटेबल तो इसको बना लेंगे। जगुआर लैंड रोवर को खरीदने के बाद जब पहली एम्प्लॉय मीटिंग हुई और इन सभी एम्प्लॉय को संबोधित करने रतन टाटा पहुंचे, तो सबके मन में एक बात क्लियर थी कि भैया कोई नेताजी आदमी आए हैं, अब इन्होंने हमने कंपनी खरीद ली, ये नए मालिक हैं, अब ये भाई साहब हमारी जम के क्लास लेंगे, एक बार दिखाएंगे कि मैं कितनी बड़ी अथॉरिटी हूं और हमें बताएंगे कि ये रहा प्लान करो फॉलो। रतन टाटा जी अलग ही आदमी, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, आपकी कंपनी है, आपको अच्छी चलानी आती है, हम आपके मालिक नए हैं तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि हम अपना रोल चलाएंगे, आप और हम मिलके कंपनी चलाएंगे। ऐसा करके एम्प्लॉय का विश्वास जीत लिया। सेकंड चीज, टाटा शॉप फ्लोर पे कभी कभी घूमते घूमते रतन जी खुद चले जाते थे, तो एम्प्लॉय शॉक हो जाते थे, यार मालिक आ गया, मालिक आ गया, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फोर्ड का कोई डायरेक्टर कभी आज तक शॉप फ्लोर पे आया नहीं, वो तो बड़े लोग हैं। रतन टाटा ने कहा नहीं यार मैं शॉप फ्लोर पे चक्कर लगाऊंगा, एम्प्लॉय का ट्रस्ट दोबारा जीता। फिर उन्होंने सोचा एक नया सीईओ को इंडियन को लाके हमारे सर पे बैठाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस कंपनी के जो ऑलरेडी सीईओ थे डेविड स्मिथ, उनको कहा नहीं सीईओ आप ही रहोगे, आपको 25 साल फोर्ड का जगुआर का दोनों का एक्सपीरियंस है, आप हो आप ही संभालो सा। तो उससे यार ये आदमी ऐसा है कि दादागिरी करने वाला नहीं है, साथ में काम करने वाला आदमी। इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से वर्क करने नहीं लगी, क्योंकि ये डील कब हुई थी याद है आपको, जून 2008 में, और उसके 2-3 महीने बाद क्या हो गया, सितंबर 8 में लेमन ब्रदर हुआ, पूरा मार्केट नीचे, और जो पूरा यूरोप में तबाही, नॉर्दर्न अमेरिका में तबाही, और यही तो सेगमेंट था, यही तो मार्केट था जो जगुआर लैंड रोवर की गाड़ियां खरीदा करता था, एकदम सी सेल शून्य। टाटा मोटर जिसका 2008 में प्रॉफिट 2515 करोड़ रुपए था, 2009 में उसका लॉस हो गया 2500 करोड़ का, 5000 करोड़ का लॉस एक साल में। टाटा को अपने इनिशियल बजट के अलावा 4500 करोड़ अलग से खर्च करने पड़े सिर्फ खर्चे निकालने के लिए।
ये पैसा लेने के लिए जब भाई साहब ब्रिटिश बैंक के पास गए या यूरोपियन बैंक के पास गए, पहली बात तो उनकी ठनठन गोपाल हो रखी थी 2008 के चक्कर में। फिर थोड़ा बहुत जो पैसा भी देना चालू किया, पैसा देने के लिए कंडीशन रखी, बोले नहीं हम इसमें डायरेक्टर भी बनेंगे, हम फलाना भी करेंगे, हम ढीमका भी करेंगे, टाटा ने कहा यार नखरे ज़्यादा कर रहे हैं। टाटा ने कहा रहने दो, हम तो इंडियन बैंक से ही ले लेंगे। तो इंडियन बैंक का एक कंसोर्टियम बना, SBI ने उसको लीड किया और उस बैंक ने मिलकर 500 मिलियन लगभग 4,000 करोड़ रुपए टाटा को दिए पूरे टर्न अराउंड के। तो ऐसा नहीं कि टाटा ने खराब हालत में जगुआर ली और उसको ठीक किया, खराब हालत में ली, उससे भी खराब हालत में आई और फिर उसको ठीक किया। ये टर्न अराउंड करने के लिए सबसे पहले रतन टाटा जी ने किया कि भैया एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी को हायर किया, उन्होंने एक जर्मनी की म्यूनिक की एजेंसी थी उसको हायर किया और ग्लोबल लेवल पे KPMG को हायर किया कि भैया हमें आगे का प्लान बताओ हम कैसे वर्क करें। और उस कंपनी ने उनको 3 स्ट्रेटजी बताई कि देखो नए प्रोडक्ट को डेवलप करो, नए मार्केट को डेवलप करो, कैश मैनेजमेंट करो और कॉस्ट कटिंग करो। तो जितने भी भाई साहब जितने भी व्यापारेटिव CEO वाले हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने व्यापारेटिव CEO की क्लास अटेंड की है या एडवांस क्लास अटेंड की है या बुटके में साथ काम करते हैं, याद करो अपन क्या बातें करते हैं कि भाई साहब आपकी कॉस्ट कटिंग जरूरी है। जब रतन टाटा जैसा फिगर कॉस्ट कटिंग के फेवर में है, आप कौन से देश के नेता हो रहे हो, कौन से खेत की मूली हो भाई साहब? एक आदमी कहता है सर कंसल्टेंट की क्या जरूरत है, बिजनेस तो आदमी खुद ही कर लेगा। सर जी जिन्होंने बिजनेस 150 साल चलाया, जब कोई प्रॉब्लम आती है जब वो कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो हम कौन से खेत की मूली है। तो यहाँ पे एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो 99 रुपए देने के लिए 100 बार सोचते हैं कि यार देवे के ना देवे। अरे दादा सोचो जरा कॉस्ट कटिंग में क्या क्या किया। सबसे पहले आए लेबर फ्रंट पे, बैठ के सब लेबर को बैठ के समझाया, देखो कंपनी की हालत तुम्हें पता है पहले ही ज्यादा खराब थी और अब तो बहुत ज्यादा खराब हो गई, या तुम बोलो तो मैं तुम्हारे आधे से ज्यादा को अभी निकाल दूं और सब कुछ बंद कर दूं फैक्ट्रियां, और तुम साथ दो तो अपन कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और लेबर को समझा के कुछ एग्रीमेंट किए जिस पे ये आए। पहला इन्होंने कन्विंस किया कि जो 40 घंटे तुम पर वीक काम करते हो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पूरी लेबर मान गई, बोले हाँ साहब। फिर उन्होंने कहा कि भाई पे फ्रीज करना पड़ेगा, मैं तुमको सैलरी रेगुलर बेसिस पे नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा रुक के देना पड़ेगा, 2-4 महीने सैलरी रुक के देंगे, टुकड़ों में देंगे। लेबर ने कहा ठीक है भाई साहब। कुछ जो पुराने इनएफिशिएंट लेबर थे ऐसे 2000 लेबर को नौकरी से हटाया भी गया, कुछ इनएफिशिएंट लोग थे उनको जबरन छुट्टी पे भेजा गया, कईयों को VRS दिया गया। इन सब चीजों को करके टोटल 32% मैन पावर को इन्होंने एडजस्ट किया और टोटल 68 मिलियन पाउंड यानी लगभग 680 करोड़ रुपए की सेविंग अर्जित की। R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट किया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अपने रेवेन्यू का 5% इन्वेस्ट करना चाहिए, टाटा ने 14% इन्वेस्ट किया कि भैया नया ऐसा मॉडल बनाओ जो फ्यूल एफिशिएंट हो, जो चीजें जल्द बिके और कंटेम्परेरी मॉडल के अनुसार हो। तीसरा नए मार्केट डेवलप किए, ये जितनी भी सेल जगुआर की होती थी वो होती थी नॉर्थ अमेरिका से, मेन अमेरिका से या फिर इनके यूरोपियन मार्केट से, अब वो तो बंद पड़े, तो इन्होंने मार्केट डेवलप किया चाइना, इन्होंने डेवलप किया रशिया, इन्होंने डेवलप किया लैटिन अमेरिका। तो टोटल जगुआर की सेल जो उस समय जब इन्होंने बाय किया टोटल सेल का 1% आता था इन जगह से, इनसे आने लग गया 20%। 2009 में टर्नओवर चालू हुआ था, 2017 में लेडीज एंड जेंटलमैन दिल को थाम लीजिए सेल कर दी तिगनी, $34 बिलियन, 2,31,000 करोड़ की सेल। टाटा ग्रुप में इस समय टाटा मोटर में 80,000 एम्प्लॉई हैं, उनमें से 35,000 सिर्फ जगुआर और लैंड रोवर में हैं। और एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया, जब टाटा मोटर ने जगुआर लैंड रोवर खरीदी थी, जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर से भी बड़ी थी। तो कुछ इस प्रकार से टाटा ने लैंड रोवर जगुआर को खरीदा, टर्न अराउंड किया, और इससे जो लेसन हम सीख सकते हैं, लेसन नंबर 1, आपको अपने एम्प्लॉई का दिल जीतना पड़ेगा, डंडे देके स्ट्रिक्टनेस करके अपना नेता बनके कुछ नहीं होता, जब दिल से दिल मिल जाएंगे वो हाथ मिलाएंगे और फिर रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज जो आपको सीखनी है कि आपका टैग कितना भी हाई हो आपकी कॉस्ट हमेशा लो रहनी चाहिए। अगर आपकी कॉस्टिंग लो नहीं है, आप कॉस्ट कटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, आप कितने ही बड़े तुरम खाओ, आप बोलो सर मेरा 70% मार्जिन है तो 71% आने का प्रयास करना चाहिए, 30% की कॉस्ट है तो काट के 29 लेके आओ, 29 से तो 28 लेके आओ, हमेशा जहां 1 रुपया 2 रुपया 1 पैसा मिले काटने का सदैव प्रयास करो। नए प्रोडक्ट और नए मार्केट की खोज में हमेशा रहो। टाटा मोटर कहता है इंडिया में सब बिक रहा है, सब कुछ ठीक ही तो है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जाना है, खोजा ढूंढा काम किया। जगुआर लैंड रोवर मिली बड़े बड़ी बिकती तो है यूरोप में और अमेरिका में, क्या बेचना, चाइना ढूंढा, रशिया ढूंढा, पूरा मार्केट डेवलप किया। तो हमेशा अपनी सेल बढ़ानी है, या तो नया नया मार्केट डेवलप करो या नए नए प्रोडक्ट डेवलप करो या नए नए सेगमेंट में चले जाओ। टाटा वैल्यू फॉर मनी में था, लग्जरी में चला गया, टाटा इंडिया में था, इंडिया से बाहर चला गया, बाहर में एक कॉन्टिनेंट में था, अलग कॉन्टिनेंट पकड़ लिया। तो ये सभी चीजें जो अपन सीख सकते हैं, और बिजनेस कोचिंग या बिजनेस कंसल्टिंग से रिलेटेड अगर आपको चीजें जाननी है तो बहुत सारी केस स्टडी आने वाली है, वहां पे आपको चीजें मिल जाएगी। और ये टाटा सीरीज में मेरा पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले 8-10 वीडियो आ चुके हैं। तो अगर आपको टाटा केस स्टडी बिजनेस ये चीजें अट्रैक्ट करती है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उन प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर आपको पूरी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है और बिजनेस
बिजनेस फाइनेंस के रियल में जानकार हो, जागरूक हो, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो फालतू भीड़ बढ़ा के क्या करेंगे। तो जनता जनार्दन को एक बार फिर जय हिंद, धन्यवाद। इस वीडियो को बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर बहुत ज्यादा करना, जगह जगह भेजवा देना।